हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑलवेल्ड सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कास्ट आयरन वेल्डिंग। जैसे कि कास्ट आयरन वेल्डिंग एक डिफिकल्ट वेल्डिंग माना जाता है, कास्ट आयरन में वेल्डिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आज हम लोग इजीएस्ट वे से आसान तरीके से देखेंगे कि कास्ट आयरन में वेल्डिंग की प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, अभी हम लोग ने यहाँ पे एक मोटर का टूटा हुआ पार्ट लिया है। उसको हम लोग यहाँ पे NiFe मशीनेबल इलेक्ट्रोड्स के साथ विदाउट प्री हीटिंग ज्वाइनिंग करके उसकी प्रोसीजर देखेंगे। दोस्तों, कास्ट आयरन में 2 से 4% तक कार्बन होता है, जो कि बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में 10 times ज़्यादा होता है। इसके लिए कास्ट आयरन में वेल्डिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। अभी हम लोग ये यहाँ पे जो मेटल का कास्ट आयरन में क्रैक गया है, उसको हम लोग वेल्डिंग करके देखेंगे। जैसे कि दोस्तों, किसी भी मेटल में वेल्डिंग करने के लिए प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही कास्ट आयरन में प्री हीटिंग करके वेल्डिंग किया जा सकता है। लेकिन कास्ट आयरन में वेल्डिंग करते समय प्री हीटिंग का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्रैक सेंसिटिव मटेरियल होने की वजह से रिस्क रहती है। दूसरा रीज़न ये है कि कास्ट आयरन में थिकनेस वेरिएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि कास्टिंग पार्ट्स का यूनिफॉर्म थिकनेस ना होने की वजह से प्री हीटिंग यूनिफॉर्म नहीं होती। और अगर यूनिफॉर्म प्री हीटिंग करनी है तो उसको फर्नेस या ओवन में रखना पड़ता है। इसके लिए प्री हीटिंग में डिफ़िकल्टीज आती है, इसलिए कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस ही उसके लिए बेटर ऑप्शन रहता है। कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस के लिए प्योर निकल इलेक्ट्रोड या NiFe ग्रेड का इलेक्ट्रोड यूज़ करके विदाउट प्री हीटिंग आप कास्ट आयरन में वेल्डिंग कर सकते हो। कास्ट आयरन वेल्डिंग के लिए 2 सीक्रेट टेक्निक्स यूज़ होती है। फर्स्ट टेक्निक ये है कि कास्ट आयरन को कंटिन्यूस वेल्डिंग ना करें। जैसे कि 25 mm की वेल्डिंग करने के बाद उसको स्लो कूलिंग करने दो। सेकंड टेक्निक ये है कि वेल्ड बीड कंप्लीट होने के बाद में उसके ऊपर हैमरिंग से टैपिंग यानी कि पिनिंग करो। वो भी एक कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए एक अच्छी टेक्निक होती है। इसी तरह से दोस्तों, हमने एक कास्ट आयरन का बेस जो टूटा हुआ था, उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर से, करेक्ट इलेक्ट्रोड सिलेक्शन से सक्सेसफुली वेल्डिंग करके रिपेयर किया। और ये रिपेयर करने के लिए हम लोग ने एज पर AWS NiFe ग्रेड का इलेक्ट्रोड यूज़ किया। हमने बेस मेटल को बिल्कुल प्री हीटिंग नहीं किया, विदाउट प्री हीटिंग कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस से हमने ये सक्सेसफुल ज्वाइंट करके दिखाया।